नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम INC हीरोज में। हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं मिस्टर प्रवीण विज। प्रवीण जी एक बहुत अच्छे बैंकर, एक लेखक और एक बहुत उम्दा कलाकार हैं। तो चलें दोस्तों, मिलें हमारे आज के मेहमान मिस्टर प्रवीण विज से। नमस्कार विज साहब। नमस्कार विज साहब, आप एक बहुत अच्छे शायर हैं, तो चंद लाइनें आपकी जिंदगी के बारे में प्लीज। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, बहुत लुत्फ लिया है जिंदगी का मैंने, बहुत लुत्फ लिया है जिंदगी का मैंने, कोई गम नहीं कर जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। विज साहब, आपने 33 साल की सर्विस दी बैंकिंग में, रिटायरमेंट कब हुई आपकी? रिटायरमेंट एक बहुत लकी डेट है जिसको अंग्रेज सुनना भी पसंद नहीं करते। 13 फरवरी 2013। बिल्कुल। तो विज साहब, अब हम बात करते हैं आपकी जीवन के बारे में, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये फोकस्ड है आपकी लाइफ के बारे में। क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं और आगे जिंदगी की जो बची हुई साल हैं, बची हुई उम्र में, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों? तो आपके बचपन से शुरू करते हैं सर, आपके पेरेंट्स के बारे में और आपके बचपन के बारे में प्लीज़। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, यदि इन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा तो शायद कई वर्ष लग जाएंगे, लेकिन इस कविता से मेरा विश्वास है कि आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। कविता है, जो दुकानों को सजाए वह खिलौना मैं नहीं हूँ, जो दुकानों को सजाए वह खिलौना मैं नहीं हूँ, यह बता देना तुम्हें मैं चाहता हूँ। दुनिया वालों, जो दुकानों को सजाए वह खिलौना मैं नहीं हूँ। आंधियों के साथ जन्मा हूँ, आंधियों के साथ जन्मा हूँ, उन्हीं से खेलता हूँ, बिजलियों से प्यार करता हूँ, नतीजा झेलता हूँ। कमाल है सर। यह तुम्हारा मुकद्दर है, यह तुम्हारा मुकद्दर है कि तुमसे अचानक आ मिला हूँ, जो मंजिल से चला हो वह अनोखा काफिला। यह बता देना तुम्हें मैं चाहता हूँ। दुनिया वालों, जो तुम्हें आंसू दिखाए वह खिलौना मैं नहीं हूँ। क्या बात है सर। मंदिरों की कैद में रहता नहीं भगवान मेरा, मंदिरों की कैद में रहता नहीं भगवान मेरा, आगमन पर सूर्य के निर्भर नहीं सवेरा मेरा, मैं तिमिर के अंकुरों को रोशनी से सींचता हूँ और धरती को सदा नब की दिशा में खींचता हूँ। क्या बात है। यह सुना देना तुम्हें मैं चाहता हूँ। दुनिया वालों, तुम कहो तम उसका हूँ, वह खिलौना मैं नहीं। बहुत बढ़िया। जो पिए पीले मुझे सोच शराबों का नशा हूँ, जो पिए पीले मुझे सोच शराबों का नशा हूँ, हर चमन की जिंदगी हूँ, फूल पत्ती में बसा हूँ, बादलों जैसा धनी हूँ, सांप के सर की मनी हूँ, गफलती हूँ, छोड़िए भी आदमी वैसे गुनी हूँ। क्या बात, क्या बात। यह जता देना तुम्हें मैं चाहता हूँ। दुनिया वालों, जो तुम्हें रो रो रिझाए वह खिलौना मैं नहीं हूँ। हर महक वाले सुमन से दोस्ती मेरी बनी है, हर वीराने और पतझड़ से मेरी पुरानी दुश्मनी है। चुप रहूं कानून की आंखें ना खोलूं यह ना होगा, चुप रहूं कानून की आंखें ना खोलूं यह ना होगा, जिंदगी को छीन ले मैं कुछ ना बोलूं यह ना होगा, यह बता देना तुम्हें मैं चाहता हूं। दुनिया वालों, ठोकरों पर सर झुकाए वह खिलौना मैं नहीं हूं। क्या बात। जो दुकानों को सजाए वह खिलौना मैं नहीं। क्या बात है प्रवीण साहब, क्या बात है। बहुत अच्छी कविता, ये कविता आपकी जिंदगी का एक सार कहती है। प्रवीण साहब, जैसे आपको पता है कि हमारी ये जो प्रोग्राम है INC हीरोज, इसमें हम आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि लाइफ में हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है। आज आप जो हैं, इसको पाने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बचपन से लेकर अभी तक आप स्ट्रगल करते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सर, हम चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर के बारे में प्रकाश डालें। आपका बचपन कैसा बीता? सब कुछ शुरू करने से पहले जी सर, अपने माता पिता को याद करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर।
जिनकी वजह से मुझे अच्छे संस्कार मिले, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया जी और इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छे प्रतिष्ठान के अंदर नौकरी पा सका, जहाँ मैंने लगभग 35 साल के आसपास काम किया और इस मुकाम पर पहुँचा कि जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे परमात्मा ने हर एक खुशी दी है, सब कुछ पाया है मैंने, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छा समाज, किसी भी चीज़ की मैं जहाँ देखता हूँ अच्छा ही अच्छा नज़र आता है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थली कौन सी थी, आप कहाँ पैदा हुए और आपके शुरुआती एजुकेशन जिसे हम कहते हैं बेसिक, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन की नींव जो होती है उसकी बेसिक शिक्षा होती है, थोड़ा सा प्लीज़ प्रकाश डालें। जब मैंने अपने जीवन में होश संभाला जी, तो मैंने अपने आप को शिमले के अंदर पाया। शिमला पहाड़ों गिराने जी, उस समय हिमाचल, पंजाब, हरियाणा ये सब इकट्ठा होता था और वहाँ मैंने थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण की जी। अगर इससे थोड़े से पहले चले हम जी, तो 1966 की बातें करें, बहुत पुरानी बातें करें जी, जब मैं 7 साल का था जी, तो मैंने पाया कि मेरा जो जन्म हुआ है एक बड़ा सा मकान, कच्चा कोठा, पंजाब का कच्चा कोठा, हाँ पंजाब का, अब वो एक कस्बा है जी और जो पाकिस्तान के बहुत नज़दीक लगता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो उस समय आपने जैसे कहा कि पंजाब, हिमाचल और हरियाणा एक हुआ करते थे और लेकिन पाकिस्तान तो अलग देश हुआ करता था, कुछ याद आपको हो ऐसी चीज़ की उस समय बचपन में जिससे आपको बॉर्डर की याद आए? 1971 की जो पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी जी सर, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जी, उस समय उसी मकान में रहा करते थे, बहुत छोटे थे हम और रात को ब्लैकआउट हो जाया करता था जी, सब लाइटें बंद कर दी जाती थी जी और ये इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी माचिस की भी लाइट नहीं जलाएगा और हम सारे एक बड़ी बड़ी खंदकें, कच्ची कच्ची खंदकें होती थी जो खड्डे, उस खड्डे होते हैं उसके अंदर हम चले जाते थे, बिल्कुल अंधेरा होता था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो हमने वो समय देखा है, हमारे पेरेंट्स ने वो समय देखा है, पेरेंट्स हमारे पाकिस्तान से थे जी और मेरे फादर पुलिस में थे जी और उन्होंने एक अच्छा मुकाम पाया अपनी लाइफ में। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने 1975 की जंग की बात की, कुछ उस समय की यादें हों आपके मन में कि कैसे, बिल्कुल एक बॉर्डर पे गांव होने के कारण आपको कैसा महसूस होता था? उसके साथ में कुछ गांव ऐसे थे जहां सिर्फ बॉर्डर पाकिस्तान का जी, एक गांव है वहां फिरोजपुर के पास में, गांव टिलोनाई बोलते हैं उसको, बिल्कुल ठीक है। मेरे मामा वहां 40 साल सरपंच थे जी, तो जब छुट्टियों में हम वहां चले जाते थे तो वहां से बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था जी और पाकिस्तान के लोग इधर आ जाते थे, यहाँ के लोग उधर चले जाते थे, कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी, मतलब तारबंदी भी नहीं तो ना, कुछ भी नहीं था जैसे आजकल होता है, एलओसी होती है, कुछ भी नहीं था, ना कोई धर्म की पाबंदी थी, ना कोई कुछ ऐसा था और आपस में मिलते थे, जुलते थे, त्योहार भी इकट्ठे मना लेते थे। अच्छा। और धीरे 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 हमने देखा कि ये कटुता आई और कैसी आई और लड़ाई हुई, जंग हुई देश का, जंग होने के बाद बेसिकली ये दिलों में फासले आए और जिससे कि हमारे बॉर्डर्स बने। तो जनाब उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? उस समय मैं तकरीबन 12 या 13 साल का था और उस समय की सारी यादें मेरे पास हैं, बहुत बढ़िया सजा के रखी है जी। तो स्कूलिंग में कुछ आपको उस समय का याद आता हो ऐसी चीज़ जो आप हमारे मित्रों को बताना चाहें? हाँ, स्कूल में मुझे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था। तो जो आपके अंदर ये कलाकार का एक सृजन हुआ है ये उस समय की मेरे ख्याल से बात है जब आपने स्कूल के प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो कोई मित्र आपको याद आता हो उस समय का जिसने आपको प्रोत्साहित किया हो इस सब में आने के लिए? जी हाँ, गर्मी की छुट्टियों में मैं चंडीगढ़ आया करता था जी, यहाँ मेरे मामा रहते थे जी और वो मुझको बहुत प्रोत्साहित करते थे कि गाना सुनाऊँ, बड़ी शर्म सी होती थी, बालपन की शर्म जिसको बोलते हैं, बिल्कुल जी। कोई बच्चे को कहते थे कि आप यार गाना सुनाओ जी, तो पर्दे के पीछे छुप जाते थे और वहाँ पर्दे के पीछे से छुप के और गाना सुनाते थे। और मुझको याद आ रहा है कि
जॉनी मेरा नाम पिक्चर आई थी, तो जब मैं उनको गाना सुनाता था पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, तो आखिर में बड़ी शर्म सी आती थी और शर्मा जाता था। मुझे उसमें नहीं पता था कि ये क्या भावना है, प्यार की भावना क्या है, मुझे तो आज तो आपको मालूम है कि प्यार क्या होता है। तो जनाब क्या ये गीत आप दोबारा गा के सुनाएंगे हमारे सभी दर्शकों को? पल भर के लिए कोई, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। बहुत बढ़िया आमिर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जनाब फिर आपकी स्कूलिंग के बाद करियर पे ध्यान देते हैं, अपना जीवन संभालते हैं, तो उस समय का कुछ स्ट्रगल आपको याद हो? क्योंकि जैसा आपने बताया आपके पिताजी खुद एक सरकारी नौकर थे, तो नेचुरली जिन बच्चों के पेरेंट्स सरकारी नौकर होते हैं तो उनके बच्चों को जीरो से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है नौकरी ढूंढने के लिए। तो आप बताएं कि सर पढ़ाई के बाद आप बैंकिंग की जॉब में कैसे आए? मेरे पिता पुलिस में थे और उस समय उनकी आमदन कम ही थी जी, इतनी कम थी कि गुजारा मुश्किल से चलता था जी। हम चार भाई थे और उन्होंने हमारे पालन में, पोषण में, पढ़ाई में, लिखाई में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी और हर एक चीज उन्होंने हमारी इच्छाएं हर एक पूरी की है, हमारी इच्छाएं हर एक जगह उन्होंने साथ दिया हमारा जीवन में, लेकिन वो हमें गाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम कहाँ जाएं, कौन सी लाइन में जाएं जी। उस समय से लेके आज तक अगर हम देखें तो लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो एक छोटा सा सपना था कि एक नौकरी मिले और मैं अपने जो पेरेंट्स के जो अभाव है हमारे घर के अंदर उनको मैं पूरा कर सकूं नौकरी से। तो बैंकिंग में सर आप कैसे आए? उसके लिए मैंने काफी संघर्ष किया, दसवीं पास की जी, मैट्रिकुलेशन की जी, और मैट्रिकुलेशन के साथ साथ टाइपिंग मैंने सीखने की कोशिश की। स्टेनोग्राफी जिसे कहते हैं, टाइपिंग, टाइपिंग का जमाना था। अच्छा ठीक है, स्टेनोग्राफी एक एडवांस स्टेज थी, सेकंड नंबर के ऊपर आती थी। बिल्कुल सर, जब मैं टाइपिंग सीखने के लिए किसी कॉलेज में गया जी, तो वहां पर उसने मुझे ये कहा कि आपको बाहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक टाइपिंग सीखनी होगी। दोपहर को, दोपहर कड़क थी गर्मी के अंदर, मैं टाइप सीखा करता था और वो जो जमाना था बहुत अच्छा जमाना रहा, टाइप सीखी और वो ही मेरी नौकरी का कारण बना। दो साल के आसपास हॉस्पिटल के अंदर मैंने स्टेनो के रूप में काम किया जी। मेरे फादर साहब ने एक बार विड्रॉल लाने के लिए कहा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की एक ब्रांच साथ में होती थी जी, और उन्होंने कहा ये विड्रॉल ले जाओ और पैसे लेके तुम आ जाओ जी। मैं विड्रॉल लेके बैंक के अंदर घुसा, बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी, लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई कस्टमर आ रहा था, कोई जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझको क्या करना है। खैर इतने में एक कैशियर, उसने मुझे बुलाया, कहा बेटा बोलो। मैंने उसको बताया कि मुझे पापा के पैसे निकालने हैं, तो उसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और मुझे पैसे दे दिए। शायद कस्टमर भी कम था उस समय, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैं कहा अंकल क्या मैं बैंक में लग सकता हूँ? कहते क्यों नहीं बेटा, हमने तो रिटायर हो जाना है। बिल्कुल ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद तुमने ही इस बैंकिंग के अंदर आना है, काम करना है। वहां मेरी एक नींव बनी, मैंने एक सपना देखा कि काश मैं भी एक बैंक के अंदर आ जाऊं, वो सपना बहुत जल्दी पूरा हुआ। तो आपको बैंकिंग की तरफ लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है उस व्यक्ति को जाता है जिससे आपने अपने पिताजी का कैश विड्रॉल करवाया जी। धन्यवाद करते हैं उनका बहुत बहुत। अब बैंकिंग में सर हमने जाना है कि सबसे पहले आपका चयन हुआ यूको बैंक में। यूको बैंक से पहले छोटी सी घटना बताना चाहूंगा जी। जी बिल्कुल, कि BSRB बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड होते थे उस समय जी, कोई सिफारिश नहीं होती थी, लोग ईमानदारी से उसमें अपॉइंटमेंट हो जाते थे और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपॉइंटमेंट होती थी जी। तो मैंने BSRB उत्तर प्रदेश का एक टेस्ट दिया जी, मैंने रिटर्न टेस्ट पास कर लिया क्योंकि वो पोस्ट थी क्लरिकल की, क्लर्क कम टाइपिस्ट, मैन टाइप का टेस्ट भी पास कर लिया जी। अब पास करने के बाद मेरे को इंटरव्यू में बुलाया गया। बिल्कुल ठीक है, इंटरव्यू में बुलाया गया तो
वहाँ पे चार महानुभाव बैठे थे और अपने अपने सब्जेक्ट्स के माहिर थे सब। जी, जी। अचानक मुझसे क्वेश्चन किया पॉलिटिक्स के बारे में। मैंने कहा नो सर, मुझे नहीं आता, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गेम्स के बारे में। मैंने कहा सर ये भी नहीं आता, तो आपको क्या आता है? जी, मैंने कहा सर कहानियाँ लिखता हूँ मैं, आकाशवाणी पे गाता हूँ, ये मेरी हॉबीज हैं। अच्छा ठीक है, आप एक गीत सुनाओ। जी, मैंने उनको एक गीत सुनाया। जी, वो भी शायद थके हुए थे, उन्होंने दूसरे साहब ने एक और गीत की फरमाइश की, मैंने दूसरा गीत सुना दिया, फिर एक फरमाइश की, तीसरा गीत सुना दिया। यह दौर चलता रहा और उसके बाद मैंने कहानी सुनाई और कहानी सुना के मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू शायद पूरी हो गई है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए और इंटरव्यू के बाद मैं बाहर आ गया और पर्दे के पीछे छुप के उनकी बातें सुनने लगा। अच्छा, तो एक साहब ये कहते कि ठीक है, दूसरे कहते हाँ अच्छा है। तो मैंने भी उत्सुकता से उनको कहा सर कोई चांस है क्या मेरा? ओके ओके, तो आपने पर्दे के आगे आगे मैंने पूछ लिया। मैंने पूछ लिया, अरे आप यहीं पे खड़े हैं? जी। मैं कहा जी हाँ। तो ना ना आप जाइए, ठीक है। और रिजल्ट क्या हुआ? जब रिजल्ट आया आगे वाला भी पास था और पीछे वाला भी पास था और मुझे फेल कर दिया गया था। मुझे काफी दिल टूटा मेरा, लेकिन मैंने बीएसआरबी को लिखा कि मेरे साथ क्या इनजस्टिस हुआ है। जी। और मजे की बात है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिला और एक महीने के बाद मेरे पास लेटर आया कि आपकी अपॉइंटमेंट इलाहाबाद बैंक बांदा के अंदर हो रही है और आप इसको ज्वाइन करिए। क्या बात। मैंने सीएमओ ऑफिस से रिजाइन किया, रिजाइन करके और तुरंत जाके वो जॉब किया मैंने और दो महीने मैंने जॉब किया। उसके बाद यूको बैंक मिला और घर की लालसा मुझे भिवानी खींच के ले गई। तो सर अब हम बात करते हैं यूको बैंक में आपकी अपॉइंटमेंट की। यूको बैंक में आपका पहला दिन कैसा रहा? सिर्फ दो महीने इलाहाबाद बैंक में सर्विस की थी जी, कुछ अनुभव था जी। और यूको बैंक मेरे घर के बिल्कुल पास था और मैं जैसे बैंक के अंदर घुसा, मैनेजर साहब ने बहुत अच्छा स्वागत किया जी, सभी लोगों से परिचय करवाया जी और मुझे काम बतलाया कि आपको क्या करना है जी। मैनुअल बैंकिंग का जमाना था जी, बिल्कुल सभी लोग मैनुअल काम किया करते थे बिल्कुल। और हर एक काम के लिए हर एक स्टाफ को ड्यूटी अलग अलग दी जाती थी। कोई कंप्यूटर के बारे में तो किसी को जानकारी ही नहीं थी कि क्या कंप्यूटर होता है, क्या इंटरनेट होता है, समय तो होता ही नहीं बिल्कुल मैनुअल। तो लेकिन जो मेरे पुराने दोस्त, मेरे पुराने कुलीग्स थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मुझे बड़ा काम सिखाया और वो जो काम है जो मेरी मेहनत रंग लाई कि मैं हमेशा जिंदगी में कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा बैंकिंग के अंदर कामयाब रहा। तो जब आपने यूको बैंक को ज्वाइन किया आपकी पहली पोस्टिंग किस चीज की थी जनाब? पहली पोस्टिंग भिवानी मिली क्योंकि मेरे फादर, मेरी फैमिली भिवानी के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी और एक किराए का मकान था मेरे फादर साहब ने लिया था और उसके अंदर हम रहा करते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, उसमें चार भाई रहते थे। इसके अलावा सर ये बताएं संगीत में कैसे रुचि आई आपकी, क्योंकि एक बैंकर और संगीत तक ये बिल्कुल अलग अलग पोल्स हैं। मेरी मदर को कुछ गाने का शौक था जी और मैं उनको सुनता था और मेरा दिल करता था कि मैं भी गाऊं जी। और ट्रांजिस्टर का जमाना था और रेडियो से कुछ भजन सुना करता था, फटाफट उसको लिख लेता था कॉपी के ऊपर, उसको गाने की कोशिश करता था। और ये शौक मेरा धीरे 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 बढ़ता चला गया और मैं जहाँ अपने मामा के पास आता था चंडीगढ़ के अंदर, उनको गाने सुनाता था, वो भी बड़े खुश होते थे। और वो धीरे धीरे जुनून ऐसी जगह पे पहुँच गया कि मैंने जो सोचा था जिंदगी के अंदर अपना मुकाम पाने की कोशिश की वो मुझे मिल गया। बहुत तो विद साहब आपने दूरदर्शन के लिए भी मेरे ख्याल से काफी गीत गाए। संगीत का बड़ा शौक था और हम ग्रुप के अंदर गाया करते थे और ग्रुप के गाने के बाद धीरे धीरे मैं आकाशवाणी की तरफ, आकाशवाणी रोहतक हमारे घर के पास ही होता था, उसकी तरफ बढ़ा। वहां पे ऑडिशंस हुआ करते थे और स्वर परीक्षाएं चला करती थी और मैं भी वो फॉर्म भर दिया करता था। मुझे संगीत की ABCD भी नहीं मालूम थी, ना मेरे पास कोई ज्ञान था अभी जी। तो शौकिया शौकिया जो बहुत बढ़िया, मैं वहां जाता था, ऑडिशन देता था, फेल कर दिया जाता था, फिर अपने घर आ जाता था, फिर उसके बाद फॉर्म भरता था, छह महीने बाद फिर वो मुझे फेल कर देते थे, मैं फिर लग जाता था, छह महीने के बाद फिर फेल। और बस ऐसे 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 करते एक घड़ी ऐसी आई
कि खुशी का समाचार आया कि आज आप पास हो। क्या बात है सर। उस दिन मैंने बी ग्रेड पास किया और वहां से मेरा रास्ता खुला दूरदर्शन की तरफ। दूरदर्शन में लाइव प्रोग्राम किए मैंने, भजन गाए, गीत गाए, गजल्स गाई, और उसके बाद हिसार दूरदर्शन से किया मैंने, साधना से किया, चंडीगढ़ के अंदर एक दिव्या चैनल है उसके लिए गाया, ऑडियो कैसेट भी एक निकाली, हुई शादी गई आजादी। हाँ बिल्कुल, मैं ये दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, ये हुई शादी और गई आजादी, इसके गायक हैं हमारे मित्र प्रवीण विज जी। ये ऑडियो कैसेट दिखाती है कि किस जमाने में प्रवीण जी ने ये ऑडियो कैसेट निकाली होगी। इंसान के जीवन में इतने तनाव हैं कि वो हंस भी नहीं पाता। बिल्कुल ठीक है। हर एक तरह की परेशानियां हैं उसे, और हम चाहते थे कि जिंदगी के अंदर इंसान थोड़ी देर के लिए हंसे। बिल्कुल ठीक है। तो एक मेरे मित्र थे, एडवोकेट थे भाई प्रोफेशन, अब भी हैं, उन्होंने मेरे लिए 10 गाने लिखे और मजाक के अंदर वो कॉमेडीज लिखी गई जी। और हमने सिर्फ 4 घंटे प्रैक्टिस की और 4 घंटे के प्रैक्टिस के बाद 8 गाने सामने आए। वो कॉमेडी कैसेट जो आई उसका नाम रखा हमने हुई शादी का ये आजादी। बहुत बढ़िया सर। चलिए विद साहब, अब हम आपके जीवन के उस दूसरे हिस्से के बारे में बात करते हैं, जब आपका परिवार बना, प्लीज बताएं। देखिए, जब इंसान बैंक के अंदर लग जाता है या किसी भी जॉब के अंदर लग जाता है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि इसकी शादी कर दें और ताकि परिवार आगे बढ़े। ऐसी घड़ियां मेरे साथ भी आई जहां पेरेंट्स ने मुझे कहा, मैंने यस कर दिया, और जो मेरी जीवन संगनी है जी, बड़ी पढ़ी लिखी और अच्छे संस्कार वाली आई, और उसने जीवन में मेरे को काफी कोऑपरेट किया। शादी के बाद जो मेरी पत्नी आई जी, वो भी सर्विस करते थे जी, और वो सर्विस करती थी राजस्थान के अंदर, बहुत दूर, भरतपुर नाम की एक जगह है जी सर, बड़ी फेमस है, वहां से वो जॉब करती थी। लेकिन जो मेरी फैमिली वाले थे वो ये चाहते थे कि वो वहाँ की जॉब छोड़ के और हमारे साथ रहे। बिल्कुल ठीक है सर। जबकि उसकी तमन्ना थी कि वो अभी नौकरी को कंटिन्यू करे जी। उस समय तो होता भी था ऐसा कि सास ससुर चाहते हैं कि बहू शादी के बाद बहू घर में आए और उनकी सेवा करे। कुछ अंडरस्टैंडिंग्स ऐसी बन रही थी कि उनको मैंने कहा कि आप ये जॉब छोड़ दीजिए जी, मेरे कहने के ऊपर उन्होंने जॉब छोड़ दिया और वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, और धीरे धीरे जो उनकी क्वालिफिकेशंस थी उसके हिसाब से उनको जॉब मिली। जब तक भिवानी में रहे हम जी, जीवन बहुत स्मूथली चलता रहा जी, बैंक की जॉब के साथ साथ संगीत के सारे शौक पूरे किया करते थे जी, और जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक जीवन ने एक नया मोड़ लिया, मेरी प्रमोशन हुई, और क्या हुआ कि मुझको एक पंजाब की ब्रांच के अंदर अबोहर भेज दिया गया, और वहाँ मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जी। बहुत पुरानी ब्रांच थी, स्टाफ बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे को एडवांसेस का काम दिया गया, लोगों को लोन बांटना। और इसके बारे में सच बताएं, मुझको कुछ भी नहीं आता था जी। मुझे जब कोई काम दिया जाता था तो मैं छटपटाता था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, इसको कैसे पूरा कर सकता हूं, कैसे करूं। कोई लोग मेरी, कोई दोस्त, कोई मैनेजर, कोई ऐसा, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मुझको ऐसा लगता था कि यार कुएं से निकल के समुंदर में आ गए हैं और डूब रहे हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। ऐसे में एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे लिए भगवान बन के आया, सिक्योरिटी गार्ड, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड। उसने मेरी परेशानी को समझा जी, और उसने मुझको कहा कि बैंकिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं है, हालांकि उसका बैंक के साथ कोई लेना देना नहीं था, फिर भी एक एक चीज गाइड करता था। मुझको कहता था कि सर आपको मैं हर एक चीज में कोऑपरेट करूंगा, आपको डॉक्यूमेंट्स ला के दूंगा, आप एक फाइल रोज अपने घर ले जाया करें जी, और उसको स्टडी करें, स्टडी करके और अगले दिन आपकी राह काफी आसान होगी, और मैं उसी लाइन के ऊपर चल पड़ा। बहुत फाइल ने घर ले जाता था, उसको स्टडी करता था, अगले दिन उस लोन को डिसबर्स कर देता था जी। मेरा जो झुकाव था गरीबों की तरफ काफी था जी, मैं चाहता था कि बहुत ज्यादा गरीब है। मैं आपको ये एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अबोहर के अंदर एक कम्युनिटी ऐसी है जो जूते बनाने का काम करते हैं, कुछ फैमिलीज हैं, और उनका जूता फौरन तक एक्सपोर्ट होता है जी।
लेकिन मैं ये समझता था कि ये जो तबका है बहुत गरीब है और इन्हीं को पैसे की जरूरत है। जो मेरे मैनेजर साथ थे वो चाहते थे कि मैं अमीरों के लोन सेंक्शन करूं, और मेरा झुकाव इनकी तरफ था। कई बार हमारे मुझको ऐसा लगता था कि हमारी तकरार होगी, और तकरार हुई भी, विचारों की तकरार हुई। उनको काम की पूरी नॉलेज थी जी। और वो इस बात का फायदा उठाते थे कि देखते हैं कब तक ये ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आएगा जी, बिल्कुल। लेकिन मैं धीरे धीरे ऐसे थपेड़ों में से गुजर रहा था कि मैं अपने आप को सोना बनाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को काम आ जाए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मैं अपने ऊपर डिगा रहा। मैंने उन लोगों के लगभग 50 लोन सेंक्शन कर दिए और उनको ऊंचा उठने का मौका दिया। फिर मेरा ध्यान किसानों की तरफ गया जी। अब मैं पंख लगा के उड़ रहा था। मैनेजर साहब मुझे कहते थे गांवों में जाओ। 40 गांव थे हमारे आसपास के जी। मैं मोटरसाइकिल लेता था और सुबह सुबह 6 बजे निकल जाता था मोटरसाइकिल पे, सुहावना मौसम और गुनगुनाता हुआ चला जाता था, सुहावना सफर। और गांवों में जाना, अमीर किसानों से मिलना, गरीब किसानों से मिलना, बीच वाले किसानों से मिलना, उनकी तकलीफें जानना, ये समझने की कोशिश करता था जी। और मैं अपने आप को एक ऐसा पार्ट समझता था कि जैसे मैं इन्हीं के घर से हूँ, और मैंने उनका बहुत फेवर किया। जहाँ मुझको ऐसा लगता था कि ये लोन नहीं हो सकता जी, तो भी मैं कोई रास्ता निकालता था कि ये काम मदद हो जाए, मदद हो जाए। बिल्कुल, और मैंने ऐसा किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने न सिर्फ उनकी मदद की, आपने देश को भी एक दिशा दी कि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। आजकल देखा जाता है कि कई किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिस गाइडेंस का ही नतीजा है सर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उनको सही गाइडेंस दी जाए, जैसे आजकल के किसान, आजकल पंजाब का ये ज्वलंत मुद्दा है, न सिर्फ पंजाब का बल्कि पूरे भारत का, कि किसान बैंक से लोन लेके सुसाइड कर रहे हैं। तो सर इस प्रॉब्लम पे, इस मुसीबत के टाइम पे आप कैसे गाइड करना चाहेंगे? अगर मैं किसानों की बात करूं जी सर, तो 3 तरह के किसान होते हैं जी सर। एक बड़े किसान जिनको जमींदार बोलते हैं जी सर, दूसरा मध्यम, और तीसरा बहुत गरीब जी सर, जो दूसरे के खेतों में जाके काश्तकारी करता है जी सर। इस तरह के किसान होते हैं। बिल्कुल सर। आज तक आपने कोई भी ऐसा किसान नहीं देखा होगा कि जो बहुत अमीर किसान है और उसने आत्महत्या की। बिल्कुल सर। जो भी किसान मिले हैं, जो भी सुसाइड कर रहे हैं, वो गरीब किसान कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है जी। बैंकों के अंदर भी बिना लिए हुए कुछ उनका काम नहीं होता है। ये मैंने बहुत गहराई में जाने के बाद जानने की कोशिश की, और मुझको ऐसा लगा कि इन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मुझको एक घटना याद आ रही है जी सर, कि एक गांव के अंदर मुझको भेजा गया रिकवरी के लिए जी। बहुत बड़ा किसान था वो, और उसके घर के अंदर जाना भी अलाउड नहीं था जी। गांव का एक सरपंच था वो जी, और उसकी वाइफ के नाम पे वो बैड लोन था जी सर, रिकॉर्ड अच्छा नहीं था जी। मैं गया, और जैसे मैंने उनको कहा कि मैं मैनेजर हूँ और आपसे लोन के बारे में बात करने आया हूँ, उन्होंने मेरे से बात करने को इनकार किया। लेकिन मैंने दूसरा रास्ता बनाया। मैंने उनको कहा कि मैं तो आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं लोन की बात भी नहीं करूँगा। और वो इस बात के ऊपर तैयार हो गया। जब मैं उनके ड्राइंग रूम में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया कि उस इंसान की जो फोटो थी हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स के साथ थी, और उसको किसी बात का डर नहीं था कि क्या होगा। लेकिन मैं ऐसे सोच के गया था कि मुझको इस बंदे से रिलेशन भी रखने हैं और रिकवरी भी करनी है। और मैंने टाइम के साथ साथ उससे जितने भी बैड डेट्स थे सारे रिकवर कर लिए। तो सर ऐसा क्या चीज थी जो उस किसान को लोन वापस करने से रोक रही थी? उसमें जो हमारा जो छोटा किसान है उसके पास वो जाल नहीं है जी। उसके पास टेक्निक जो देश की है उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो कहाँ से जाए? वो बड़े किसानों के पास, बड़े जमींदारों के पास पैसा लेता है, और वो पैसा जब नहीं चुका पाता तो वो सुसाइड की तरफ चलता है। अब और की कुछ कड़वी मीठी खट्टी यादें मेरे दिमाग के अंदर हैं जी, कि वहाँ मुझको क्या मिला, क्या सीखा मैंने जी। एक वाक्या जरूर बताना चाहूँगा। मेरे सीनियर मैनेजर छुट्टी पर थे, सेकंड मैन थे मैनेजर, वो भी छुट्टी पर थे। तो बैंक के एडवोकेट का फोन आया
कि मिस्टर विज आज साहब कहाँ हैं, मैंने कहा वो छुट्टी पे हैं, दूसरे कहाँ हैं, मैंने कहा वो भी छुट्टी पे हैं, तो आप आज शाम को सिटी क्लब के अंदर आएंगे और वहाँ हमारे साथ डिनर करिए जी। ठीक, मैं अपने टाइम से खुश होकर वहाँ पहुँच गया और वहाँ चाय का, पानी का, पकोड़े का, खाने का, पीने का सारा इंतजाम था। और धीरे धीरे वो जो चाय पार्टी थी वो कॉकटेल के अंदर चेंज हो, और मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, यहाँ पे सीएज आ रहे हैं, कोस्ट अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े चीफ मैनेजर्स आ रहे हैं, एडवोकेट्स आ रहे हैं। मैं उस माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर के बाद एक एपिसोड ऐसा चला कि कुछ फाइलें आई और वो एक जगह पे रख दी गई और धीरे धीरे बंटवारा होना शुरू हुआ उन फाइलों का जी। कि ये 10 फाइलें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगी, 10 फाइलें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगी, 5 फाइलें पंजाब एंड सिंध बैंक में जाएंगी, 5 किसानों की फाइलें यूको बैंक में जाएंगी। तो 5 फाइलें मुझे मिली, किसानों की थी जी। मैं वो फाइलें लेके अपनी ब्रांच के अंदर आ गया और उनके ऊपर मैं काम अभी शुरू नहीं कर पाया था, तो अचानक वकील साहब का फोन आया कि आप उसके ऊपर काम शुरू करिए। मैंने उनको कहा कि जी हाँ, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी इसको काम। अरे भाई, आप चिंता मत करिए, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं इस बात को समझ नहीं सका कि मेरा क्या ध्यान रखेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी सेवा पानी की जाएगी। जब मैंने वो फाइलें देखी, मेरे को वो पुरानी याद आ गई किसानों की, कि कैसे गरीब किसान बेचारे कैसे गुजारा करते हैं, कैसे वो जीवन का लालन पालन करते हैं। और मेरे विचार से वो फाइलें ठीक नहीं थी जी। मैंने उनके ऊपर काम करने से इनकार कर दिया जी। इसी तरह से एक एक्सपीरियंस और हुआ कि वहाँ पे मिलिट्री के लोन काफ़ी होते थे जी। हमारे एक स्कीम थी, पर्सनल लोन स्कीम थी जी। और उसके अंदर फौजियों को 1,00,000 रुपया दिया जाता था जी। एक दिन एक शाम को एक फौजी मेरे पास आया और उसने ये कहा कि सर, ये कुछ फाइलें हैं और आप हमारे फौजी भाइयों की ये जो फाइलें हैं इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज कर दें जी, तो आपकी सेवा पानी की जाएगी जी। धीरे से शाम का टाइम था, सारे जा चुके थे जी। उसने एक पैकेट मेरी जेब के अंदर डाल दिया, मैंने वो पैकेट अपनी जेब के अंदर डाल दिया और अपने घर आ गया जी। रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपना वो पैकेट जेब से निकाला तो देखा तो 1,000 रुपये थे। मैंने कुछ फौजियों के इंटरव्यू किए, उन लोगों ने बेचारों ने बहुत ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बाजार से मार्केट से लोन लिया हुआ था अपनी जीवन की जरूरतों के लिए, पूरा करने के लिए इमरजेंसी, और उसको उतारने के लिए वो यूको बैंक से लोन लेते थे जी। लेकिन अब ये मेरी अंतरात्मा मुझको इस बात की गवाही नहीं दे रही थी। मैंने बड़े प्यार से उसको ये कहा कि मेरे भाई, आपके काम इससे ज़्यादा स्पीड से होंगे जी, लेकिन मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकता। और वो पैसे मैंने वापस कर दिए और अंतरात्मा की आवाज़ पे मैंने काम किया और जिंदगी का उद्देश्य बना लिया कि ना मैं पैसा लूँगा और ना मैं किसी को लेने दूँगा। तो सर, अब जैसे कि बैंकिंग की बात कर रहे हैं, आपने एक पुस्तक भी लिखी है, घाव आज भी हरे हैं, और इसी का एक इंग्लिश वर्जन है, तो सर इस पुस्तक पे कुछ प्रकाश डाला कि ये आपने पुस्तक क्यों लिखी? पुस्तक घाव आज भी हरे हैं, ये मैंने रिटायरमेंट के बाद लिखी जी। मेरे कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मैं वर्किंग होके उनके ऊपर काम नहीं कर सकता था। अब और के बाद जी मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई जी, दूसरी प्रमोशन मिल गई थी जी, और मैंने चंडीगढ़ की एक बहुत अच्छी ब्रांच सेक्टर 38 के अंदर जी, बहुत अच्छा लगता था। अब मेरे पास काम का अनुभव भी था जी, और हर एक जगह सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरी नाराजगी कुछ मेरी मैनेजमेंट के साथ थी कि उन्होंने मेरे घर की मजबूरी को नहीं समझा बिल्कुल भी, और मेरी ट्रांसफर मेरे घर से फिर दूर कर दी। मैं पहले भी 400 किलोमीटर दूर था, आज फिर दूर कर दिया, और मुझे इस बात की निराशा थी, कुंठा थी कि मेरे साथ मैनेजमेंट ने गलत किया है। लेकिन इवन देन मैं अपनी मेहनत से यहाँ आके इस्टेब्लिश होने की कोशिश करता रहा चंडीगढ़ में। नए लोग, नया स्टाफ, नया माहौल, सब कुछ नया था मेरे लिए, और मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता रहा। और धीरे धीरे जिंदगी के 3 साल मेरे चंडीगढ़ के अंदर गुजर गए और मेरे को एक अपॉइंटमेंट और मिली कि मुझको मेरी मनपसंद ब्रांच जीरकपुर के अंदर भेज दिया गया जी।
मैं बहुत खुश था, मेरा अब मकान भी बन चुका था और मेरा घर भी बहुत नज़दीक था। मैं बहुत मेहनत से काम करना चाहता था, मैं अपने डिपॉजिट्स जो आसपास के डिपॉजिट्स बैंक के अंदर ले गया, एडवांसेस मैंने फटाफट काम करना शुरू कर दिया। लगभग एक महीने के अंदर अंदर मैंने 5 करोड़ रुपया बढ़ा दिया बैंक का। मेरी बैंकिंग मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई जी। वो 5 करोड़ रुपया नहीं चाहते थे, वो 50 करोड़ रुपया चाहते थे। बैंक की मैनेजमेंट मुझको ऐसे लोन देने के लिए प्रेशराइज कर रही थी जो कि मेरे विचार से ठीक नहीं थे। इससे पहले मेरे पास एडवांसेस का कुछ एक्सपीरियंस अब और का था जी। और अब मैं आपको एक ऐसा ही बात बताने जा रहा हूँ जिसने लाइफ चेंज की, मेरी नहीं, ये हर एक बैंकर की स्टोरी है जी, कि बैंकों के अंदर टारगेट के नाम के ऊपर मंथली मीटिंग्स होती हैं। उसमें लगभग 30 मैनेजर्स को बुलाया जाता था जी, और उनसे टारगेट की बात की जाती थी, और जो इंसान वो टारगेट से दूर रहता था उसको काफी ह्यूमिलिएशन भी किया जाता था, उनको कई गलत शब्द भी बोले जाते थे, उनको नकारा, एनपीए मैनेजर और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता था। उस मैनेजर मीटिंग्स के अंदर इतना ह्यूमिलेट किया जाता था कि कुछ मैनेजर्स तो गश खा के गिर जाते थे। फिर उसके बाद कुछ परिस्थितियां और बदली। एक दिन मुझे एक मीटिंग के अंदर कहा गया कि आपको इतने टारगेट्स दिए जाते हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था जी। अचानक एक रॉकेट आया था मेरे पास जी, बम गिरा, बम था जी। मैं कुछ नहीं बोला, टारगेट बम गया, मैं कुछ नहीं बोला जी। और मैंने कहा यस सर करके मैं आ गया। चंडीगढ़ में नया था मैं जी, कुछ नए कस्टमर से भी जान पहचान नहीं थी, बहुत चिंता में था क्या करूं कैसे करूंगा, नहीं तो मेरी हालत भी वैसे होने वाली है जी। वो आपने देखा उस मीटिंग में जी। हाँ, अचानक एक दिन शाम का टाइम था, एक इंसान फरिश्ता बन के मेरी लाइफ के अंदर आया। उसने कहा मिस्टर विज एक कार का लोन है, मुझे एडजस्ट करना है। शायद 28 मार्च थी और जबकि 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग खत्म होता है जी। मैंने उसे कहा कि सर मैं ये बंद नहीं कर सकता, आप 2 या 3 दिन के बाद बंद करवा लेना। कहते क्या परेशानी है। मैंने कहा सर मेरे टारगेट्स मेरे को दे रखे हैं तो मेरे को बहुत बुरा भला कहा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, प्लीज आप इसको बंद मत करिए। कहते आपके कितने टारगेट्स हैं। मगर सर मेरे 4 करोड़ रुपया चाहिए मुझे, 5 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपए का आपने क्या लोन मांगा? डिपॉजिट चाहिए एफडीज का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए 5 करोड़। कहते तो अगर मैं आपकी ये समस्या हल कर दूं तो। मैंने कहा सर देख लीजिए, नहीं तो मेरी बहुत किरकिरी होने वाली है जी। मैंने भगवान का नाम लेके उसका कार का लोन एडजस्ट कर दिया जी। उसको एक कोटेशन दी जी। और उसने मेरे को सुबह 7 बजे फोन किया अगले दिन कि सर आप मेरी यूनिवर्सिटी में आइए, इस जगह पे आइए और हम कुछ बात करते हैं जी। मैं 4 करोड़ रुपए का सपना लेके गया था और उस इंसान ने जाते ही मुझको 8 करोड़ रुपया दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। कहता सर 8 करोड़ रुपया दिया, मैं अपनी ब्रांच के अंदर बड़ा खुश होके आया। इतनी देर में फिर फोन आया कि सर आपको हम 12 करोड़ रुपया दे रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात। मेरे नाम का डंका बजने लगा। मैं भी बहुत खुश था, मेरा स्टाफ भी सारा खुश था जी। मेरे को सर्टिफिकेट दिए गए कि आपने ये जो टारगेट्स पूरे किए हैं कई गुना पूरा कर दिया। वाही वाही होने लगी जी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, आने वाले समय में टारगेट बढ़ने वाले होंगे। मेरी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई जी कि ये इंसान काम कर सकता है। तो इस दौरान में मैंने लगभग 3 साल के आसपास उस ब्रांच में काम किया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखी मैंने। पॉलिटिकल लीडर्स एक फोन करते थे इलेक्शन के दिनों में कि हमारे 300 लोग हैं, इनको लोन करिए गरीबों के। अरे एकदम से एकदम हम कैसे करते, उनके उनके घरों में जाना, उनके डॉक्यूमेंट्स को साइन कराना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन प्रेशर इतना था कि हमें वो काम करना पड़ता था। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी मिनिस्टर ने आपको फोन किया वो और डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण वो लोन ना हो पाए? नहीं, मिनिस्टर कभी भी सीधा फोन नहीं करता। वो आपके एग्जीक्यूटिव को फोन करेगा जी। और एग्जीक्यूटिव
अपने मैनेजर से आराम से काम करवा लेता है, प्रेशराइज करके उसको, कैसे काम करवाना उसको सही तरीके से पता है। तो कहीं ना कहीं विट साहब जो ये प्रॉब्लम आ रही है नॉन रीपेमेंट, जो रीपेमेंट होती है नॉन रीपेमेंट की, जो पेमेंट ना आ जाए, एनपीए हो जाए, बैड डेट्स इसे हम कहते हैं आम भाषा में, कहीं ना कहीं इसका मेन कारण ये अनवांटेड प्रेशर तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंडीगढ़ के अंदर जो मैंने प्रेशर देखा था, बड़े बड़े कस्टमर्स को मैंने झेला जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो प्रेशर से अपना काम करवाने में सफल होते थे, और मैंने जहां इनकार किया फिर डबल प्रेशर होता था कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं। मेरी मैनेजमेंट मेरे से नाराज भी हो जाती थी, हमारी छुट्टियां रिजेक्ट कर देते थे, कहीं पे अर्जेंट काम आ गया तो ना कर देते थे। खैर इसी तरह से किसी तरह से 3 साल पूरे हुए और मुझे एक नई ब्रांच मिली जी, जो मेरे बिल्कुल घर के पास थी, जीरकपुर ब्रांच जी। मैं बहुत खुश था, चलो नया शहर नए लोग, मेरे घर के पास ब्रांच है, मेहनत से काम करेंगे, लेट तक काम करने की कोशिश करेंगे। और मेरा अपनी सोसाइटी के अंदर अच्छे दोस्त थे, अच्छे लोग मुझे मिले, उनसे मैंने अपील की कि मुझे डिपॉजिट्स दिए जाएं जी। सभी ने मेरा मान रखा और 2 महीने के अंदर अंदर मैं 5 करोड़ रुपया बढ़ा गया। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं सफल हूँ। अचानक एक एपिसोड ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ चेंज की। उसमें क्या हुआ कि मैं एक दिन ब्रांच के अंदर काम कर रहा था तो 2 सरदार जी मेरी ब्रांच के अंदर चक्कर काट रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आपको कोई काम है? उन्होंने कहा जी हाँ, हमारी 2 मिनट रख लेने थे हमें और उनकी फाइल आपके पास पेंडिंग है। ये मैंने पढ़ा किताब में, 2 महीने से जी पेंडिंग है जी। तो मैंने उनको कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, 2-4 दिन मेरे को सेट होने दीजिए, मैं आपका काम जरूर करूँ। अब 4 दिन के बाद वो लोग फिर आ गए ब्रांच के अंदर जी। मेरी हालत ऐसी थी कि स्टाफ नहीं था, जो क्लर्क थे वो छुट्टी पर थे, एक सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर थी उसको मैंने कैश में बिठा रखा था, और वो दोनों सरदार जी फिर आ गए। मैंने उनको कहा कि सर बात यह है कि आज भी मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं आपकी वेरिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम और देंगे जी। वो बाहर निकले, बाहर निकल के मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया, मेरे बड़े ऑफिस से, जनरल ऑफिस से एक फोन आया कि सर आप इन लोगों का लोन आपको करना ही होगा। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ और मैंने कहा कि सर मेरे पास स्टाफ नहीं है। नहीं, आप उनको अंदर बुलाइए, उनको कहिए कि मेरे पास स्टाफ आ गया। मैंने कहा सर कहाँ आ गया स्टाफ, बिल्कुल ठीक है मेरे पास स्टाफ नहीं है। कहते नहीं, आप उनको बुलाइए। मेरे ऊपर इतना प्रेशर था और मैंने उनको फोन करके दोनों सरदार जी को वापस बुलाया ब्रांच के अंदर और उनसे छोटा सा क्वेश्चन किया कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कालका से आए हैं, कालका से, कालका हरियाणा में पड़ता है। और मैंने उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि मेरे भाई कालका के अंदर ब्रांच है हमारी, हमारी ब्रांच पंचकुला में है, हमारी ब्रांच पिंजौर में है, तो आप पंजाब की इस ब्रांच में क्यों आए? वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए और मैंने ये सोच लिया कि इनको ये लोन नहीं करूंगा, और मैंने कि दाल में कुछ काला है, और मैंने उनको क्लियर कह दिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा जी। ये मैसेज फिर एग्जीक्यूटिव के पास गया और शाम को एग्जीक्यूटिव का फोन आया कि आपको काम करना होगा। ये मैंने इनकार कर दिया, फिर दोबारा से इनकार किया और मैं रात को सो नहीं पाया, भाई क्या करूं, बॉस का कहना मानूं या क्या करूं जी। लेकिन मन ही मन मैंने सोच लिया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा। उसका रिजल्ट बड़ा भयंकर निकला। उसका रिजल्ट ये निकला कि जिस दिन मैं छुट्टी अप्लाई करता था, एक दिन के लिए छुट्टी रिजेक्ट कर दी जाती थी, अगर मैं कोई भी काम कहता था तो मेरा काम इनकार कर दिया जाता था। यहां तक कि एक दिन मेरे को एक दुखद समाचार मिला कि मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया है इंदौर में,
और वो शायद ही बच पाएगी। मैंने अपने बॉस को फोन किया कि मुझे इंदौर जाना है, तो उन्होंने कहा अभी तो चले जाना, थोड़ा सा ये काम निकाल दो। मैंने वो काम निकाल दिया। इस दौरान में 5-6 दिन गुजर गए और मेरे भाई की डेथ हो गई। मैंने इसकी सूचना अपने ऑफिस के अंदर दी और छुट्टी के लिए अप्लाई किया। शाम 7 बजे तक मुझे परमिशन नहीं मिली थी कि आपको जाना है या नहीं जाना। और अचानक 7 बजे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि आपकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी गई है। मैं तुरंत ऑफिस में पहुंचा, जनरल ऑफिस में, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इंसान के मरने पे भी छुट्टी नहीं है तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा। लेकिन मजबूरियां होती हैं इंसान की, नौकरी करना जरूरी है। मैं अपने बॉस से मिला और उसको बताया कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है और मुझको बाई प्लेन रात को इंदौर के लिए निकलना है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप काम तो करते नहीं, क्यों ना ब्रांच को ताला लगा दो, ब्रांच बंद करो और जाओ, कौन रोक रहा आपको। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे तो जाना ही था। मैं आया, मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया और प्लेन पकड़ा और इंदौर में। इंदौर में जो माहौल था बड़ा गमगीन था, यंग डेथ थी और उसको शमशान में लेके जा रहे थे। शमशान में ले गए और शमशान में उसको मुखाग्नि दे रहे थे, जला रहे थे, जो भी अंतिम क्रियाएं हो रही थी। तो अचानक एक फोन फिर आया मेरी जनरल ऑफिस से कि कहाँ हो आप, काम नहीं करते हैं आप, फील्ड में नहीं जाते हैं, क्या कर रहे हो आप, क्यों ना ब्रांच बंद कर दो, ये वो ए बी सी, सांस में नहीं लिया। और मैं सोच रहा था कि मैं अगर ये कहीं पे फुल स्टॉप करें, कोमा दें, तो मैं अपनी बात पूरी करूं। और मैंने छोटी सी बात कही, सर मैं इस समय शमशान में हूं और आके बात करता हूं आपसे, 2 दिन में आ जाऊंगा और फिर बात करते हैं। 2 दिन बाद पहुंचा तो हालात सब बिगड़ चुके थे, मेरी वो छुट्टियां भी सैंक्शन नहीं की गई। मैंने मेडिकल अप्लाई किया, पीजीआई के अंदर दाखिल रहा, वो भी छुट्टियां मेरी रिजेक्ट की जाने लगी। तो मैं बुरी तरह से टूट चुका था। तो ये सब कुछ उन दो सरदार जो हमारे क्लाइंट आए थे उनको लोन, सिफारशी लोन ना देने के एवज में हुआ। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद जो भी मैं काम कहता था रिजेक्ट होने लगे। मैं एक कार लोन की आदेश हुए, मैंने कर दिया, अगले दिन दूसरा कर दो, वो कर दिया, तीसरा भी कर दिया। जब मैंने 3 कर दिया तो मैं खुश था, शायद मैंने 3 करके अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है। लेकिन बॉस कहते थे नहीं, 30 नहीं, मुझे तो 300 चाहिए। एक दिन फिर स्टाफ नहीं था, मैंने स्टाफ मांगा, मुझे स्टाफ नहीं दिया गया। और मैंने अचानक कहा कि अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा और मैंने अपना बैग उठाया और घर आ गया। घर आने के बाद मैंने अपना बैंक को 90 दिन का नोटिस दे दिया कि मैं अब ये जॉब नहीं करूँगा। मज़े की बात यह रही कि जो इंसान इतने साल नौकरी करता है उससे एक बार जरूर पूछा जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन है अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को नहीं छोड़ती है। मजे की बात ये रही कि 90 दिन के अंदर अंदर किसी का भी जवाब नहीं आया, किसी का फोन नहीं आया और मेरी ब्रांच से विदाई मैंने ले ली। कुछ दिन बहुत सीरियस बीते मेरे, मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया और किसी भी जगह मैं नहीं जाता था। नाराज था मैं, अपने आप से नाराज था या मैनेजमेंट से नाराज था या किस चीज से नाराज था मुझे में मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ है, क्या घड़ी आई है। लेकिन धीरे धीरे एक एनजीओ के साथ मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझे सपोर्ट किया और मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया। इस दौरान एक दिन मैं सुबह सैर करके आ रहा था तो एक महिला से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे मेरा परिचय पूछा तो मैंने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं बैंक में था और
ऐसे ऐसे मैं यहीं पे रहता हूँ। तो उन्होंने भी अपना परिचय दिया कि मैं एक लेखिका हूँ, एक कवित्री हूँ, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। और हम बातें करते करते घर की तरफ आ रहे थे और मैं उनको अपनी स्टोरी सुना रहा था, तो उन्होंने कहा भाई ये जो एक अच्छी स्टोरी है, क्यों नहीं आप इसके ऊपर किताब लिखते। मैंने कहा मैडम मुझको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी माई बाप नहीं है, मैं एक आम इंसान हूं। उन्होंने कहा नहीं आप स्टार्ट करो। तो उनकी प्रेरणा से मैंने उस स्टोरी के अंदर कुछ चैप्टर ऐड किए और वो कहानी चल पड़ी। और धीरे धीरे मैंने सारे एपिसोड्स अपने मन की बातें उस किताब के अंदर लिखी और किताब का जन्म हुआ घाव आज भी हरे। बहुत बढ़िया, ये पुस्तक है जी हमारे प्रवीण मीर साहब के घाव आज भी हरे हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप सभी लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। तो विषभ, आपकी बातों से लग रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इस टाइम काम करना बहुत मुश्किल है एम्प्लॉयज के लिए। जी हाँ, इसी समय आपको एक घटना और सुनाना चाहूँगा जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदला। जी, ये 5 जुलाई 2014 की बात है। सैर करके घर आ रहा था और ट्रिब्यून मेरे हाथ में थी, अखबार पढ़ रहा था, तो एक न्यूज की तरफ ध्यान गया कि पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर श्री अजय सहगल ने ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या कर ली। क्योंकि मैं भी बैंक में था, हालांकि मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन शायद कोई अंतरात्मा हमको जोड़ना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद हमारा कहीं का रिश्ता हो। तो मैंने कुछ इमेजिनेशंस की कि यार उसकी पत्नी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, लड़का लड़की होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ इमेजिनेशन किया मैंने और उस लाइन के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने ऐसे काम किए कि सारा डाटा इकट्ठा किया, ऑल वर्ल्ड के अंदर कितने लोग तनाव से बैंककर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। मैं हैरान था कि ये जो समस्या है ये हमारे देश की समस्या नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं। एक आत्महत्या करता है, प्रदर्शन होते हैं अखबारों में, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं और कुछ दिन के बाद रिजल्ट जीरो। मैं अपनी किताब मिसी सैगल को देके आना चाहता था और मजे की बात यह थी कोई भी आदमी, कोई भी बैंकर, पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी इंसान मुझको उसका एड्रेस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने प्रयासों में लगा रहा और अचानक किसी ने मुझे एड्रेस दिया कि आप इनकी पत्नी यहाँ पर जॉब करती हैं। और मैंने एड्रेस लिया, किताब लिखी, किताब उनको भिजवाई। जब उनके कमेंट्स आए तो मैं हैरान था कि उन्होंने क्या लिखा है। बहुत सेंटिमेंटल हुआ मैं, मेरा परिवार सभी। और फिर मैंने ये सोचा कि अब काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि लोग हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के सुसाइड ना करें, लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ना लें, उसका हल निकालेंगे हम। और लोगों को मैंने मोटिवेट करना शुरू किया, मेरी नई जनरेशन को दूसरे बैंकों के अंदर, जिन्होंने तनाव से, मानसिक तनाव में, भ्रष्टाचार के कारण, किसी प्रेशर के कारण VRS दे दिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट का एप्लीकेशन दे दी थी। मैंने उस एप्लीकेशन को फाड़ा, बेटा आप नहीं देंगे। मैंने उनको रास्ता बतलाया कि बेटा अगर आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आप कहेंगे नो सर, प्लीज नो, मैं नहीं करूंगी, वो एग्जीक्यूटिव आपका कुछ नहीं कर पाएगा। ये रास्ता था और तनाव से निकलने का भी यही रास्ता है और यही कहानी आगे चल रही है। जी विद साहब, मैं देख रहा हूँ ये आपकी पुस्तक है हिंदी में, घाव आज भी हरे हैं। इसी के साथ आपकी एक और किताब है, इसका इंग्लिश वर्जन, लेट मी टेल द ट्रूथ। तो सर, इसको, एक ही किताब को दो अलग अलग भाषाओं में लिखना, दो अलग अलग एंगल से लिखना, इसके पीछे कोई कहानी है या सिर्फ एक संस्करण है? नहीं, संस्करण नहीं है जी। इस पुस्तक को मैंने कई मेरे दोस्तों के पास, कुलीग्स के पास, राइटर्स के पास, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भिजवाया कमेंट्स के लिए और रिव्यूज आए, अच्छे आए। और इस हिंदी वाली पुस्तक का विमोचन शिलोंग में होगा। मैं बहुत खुश था
और कुछ ब्रांचेस के अंदर अपनी किताब देने के लिए गया। पूर्व की ब्रांचें हैं हमारे हिंदुस्तान की, वहां पर हिंदी को नहीं समझा जाता ज्यादा, और पूर्वोत्तर में। तो उन्होंने ये कहा कि वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्यों ना आप इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जिंदगी के अंदर मैंने हमेशा हिंदी की तरफ महत्व दिया था। एमए भी मैंने हिंदी में किया, लेखन भी मेरा हिंदी में था, और ये विदेशियों की भाषा इंग्लिश मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और कुछ लोगों की तलाश में रहा जो इस मामले में मेरी मदद कर पाए। अचानक एक दोस्त मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। उनका नाम है श्री रमेश भटेजा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर से रिटायर्ड थे जी। उन्होंने और हमारी एक अच्छी टीम ने इसके ऊपर दिन रात एक साल काम किया और फिर ये लेट मी टेल द ट्रुथ तैयार हुई। वे सब जैसे कि अब आप बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है आजकल बैंकों में काम करना, कितना उन पर प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि जो बैंकिंग एम्प्लॉयज जो बैंक्स में काम कर रहे हैं, बैंकर्स हैं, उन पे मानसिक और शारीरिक दबाव बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इंगित करता है कि जो बैंकों के एम्प्लॉयज हैं, बैंकर्स हैं, वो जो सुसाइड कर रहे हैं, क्या इसका कारण ये जो अनावश्यक अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड प्रेशर है, ये प्रेशर तो नहीं, प्लीज इस पे भी कुछ प्रकाश डालें। एक समय था जब बैंकिंग उद्योग बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाता था जी, एक बैंकर की बहुत कदर होती थी जी। हालांकि हम उस समय सारा काम मैनुअल किया करते थे, लेकिन सेंटीमेंट्स भी थे, हमारा रिलेशन भावुक रिलेशन कस्टमर के साथ बहुत अच्छे थे। अब वो सारा स्थान कंप्यूटराइजेशन ने ले लिया है। कंप्यूटराइजेशन में रिलेशन नाम की अब कोई चीज नहीं बची, कोई भावना नाम की चीज नहीं बची है। कस्टमर अपना काम चाहता है, कैसे भी करो अपना काम, दाम से, दंड से, किसी भी तरह से हो, उसका काम होना चाहिए। और इसके अंदर 100% करप्शन मौजूद है। यही कारण है कि हमारे बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है और जो डिफॉल्टर हैं वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और हमारे किसान हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारे बैंकर्स आत्महत्या कर रहे हैं। इसके तरफ मैं सरकार का ध्यान जरूर दिलवाना चाहता हूं। दूसरा, आज हमारे पेंशनर्स की हालत बहुत खराब है, बैंकों के पेंशनर्स, सेंटर की, स्टेट के एम्प्लॉइज की, सबकी तनख्वाह हर 5 साल में 10 साल में बढ़ती है। लेकिन मजे की बात है कि 1995 के बाद बैंकर्स का कोई भी रिविजन नहीं हुआ। 1995 से लेके आज 2017 तक 22 साल के अंदर उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन उतनी ही है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, और बैंकर आजकल बहुत परेशान है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं सरकार को कि कृपा करके कोई ऐसा कानून बनाए जिससे लोग सुसाइड ना करें, और बैंक की रिकवरी की जिम्मेदारी छोटे एम्प्लॉय पे ना होके बड़े चेयरमैन पर भी होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन जिम्मेदार है। इसके अंदर सारे नीचे के जो लोग हैं वो जिम्मेदार नहीं है, दाल ऊपर तक काली है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात प्रवीण वेद साहब के साथ। अगर आप इनसे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं या इनसे मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे इनका मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इनको ज़रूर कॉल करें। और अगर आप एक बैंकर हैं और ऐसी किसी मुसीबत में आप पड़े हैं जिसमें आपको किसी एक्सपर्ट बैंकर की सलाह चाहिए, तो वीर साहब हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं। इनका एक ही संदेश है, टूटो नहीं, हल निकालो। तो आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।